नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक आईफिक्स चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। ये हैवेल्स की ब्रांड है, लॉयट यहाँ पर कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ये 0.8 टन का यहाँ पर मैं एसी ख़रीदा हूँ, और यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट भी यहाँ पर ख़रीदा हूँ, वो एक्स्ट्रा आप लोग ख़रीदना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ का आप लोगों को प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। ये आउटडोर यूनिट है। इसके साथ ये मॉडल जो मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, देखिए इस मॉडल के साथ आप लोगों को जो है 3 मीटर का यहाँ पर जो है यहाँ पर आउटडोर यूनिट का पाइप मिलता है, जो यहाँ पर कॉपर है, 100% कॉपर है। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा है फैन, यहाँ पर कंप्रेसर वगैरह अच्छा खासा मुझे लगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आउटडोर यूनिट भी आप लोगों को मिल जाता है, जिसके साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है 3 पिन प्लग वायर, उसका रिमोट बैटरी, ठीक है, उसका ड्रेन पाइप भी मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर जीबीस की तरफ से यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट से ख़रीदा, इसलिए मैं जीबीस की तरफ से यहाँ पर जो है सर्विस से आदमी लोग आया हुआ है, यहाँ पर टेक्नीशियन आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरे 1190 रुपये यहाँ पर लगा है मुझे, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने। जो फ्लिपकार्ट में दिखाएगा वहाँ पर सर्विस चार्ज, वही इन लोगों को चार्ज करेगा, ठीक है। आपका आउटडोर यूनिट का जो स्टैंड होता है वो आप लोग का अलग से ख़रीदना पड़ता है, इन लोगों को से ख़रीदने से आप लोग को 800 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग खुद से खरीद के रखेंगे पहले से, तो आप लोग को जो यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। उसके साथ आप लोग को बोलूँ, यहाँ पर जो है 3 पिन प्लग का यहाँ पर टॉप जो होता है वो आप लोग को चाहिए, जो आप लोग खरीद के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेक्नीशियन आया था, तो दोनों यहाँ पर मिलके जो है इंडोर यूनिट का यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह है यहाँ पर जो वो यहाँ पर कर दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो लोग वायरिंग का यहाँ पर पहले से कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कर दे रहा है। इसके साथ एक कब लोग को फिल्टर मिलता है, जो फिल्टर मुझे लगता नहीं है कोई काम का है, लेकिन कंपनी एडवर्टाइजिंग करता है तो फिल्टर तो यहाँ पर दे देता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर जो है लोग मार्किंग करता है स्केल से दे के, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो है आपका जो जहाँ पर लगे वहाँ पर कनेक्शन पॉइंट आपको खुद से करना होगा, वो लोग कर देगा तो उसका चार्ज अलग से लेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 घंटा का अंदर अंदर आप लोगों का जो है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को सेट करके लोग चेक करके चला जाता है, ठीक है। देखिए आप जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर ही लगा देगा, ठीक है। आउटडोर यूनिट का यहाँ पर जो बंदा सेट कर रहा है उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, उसके साथ यहाँ पर मेरा होल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर इंडोर यूनिट को यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर देखिए आराम से यहाँ पर जो है वो लोग गुटका वगैरह लगा के यहाँ पर जो है फिट कर देता है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मैं इसी कैसे ख़रीदा हूँ वो आप लोग को थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा, बिल्कुल यूट्यूब का अर्निंग से ही यहाँ पर और मेरा खुद का कुछ पैसे दे के मैं खरीदा हूँ। नो कॉस्ट EMI की तरफ से भी आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हो। ये मैं स्पेशली यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट से मैं खरीदा हूँ, फ्लिपकार्ट का आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उससे भी आप लोग खरीद सकते हो नो कॉस्ट EMI, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडोर यूनिट यहाँ पर लग गया। इसका फीचर क्या क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग को यह जो PCB का वारंटी मिलता है 5 साल का, ठीक है, जो कोई नहीं बताता मैं बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक यहाँ पर जो है आप लोगों को 1 साल पूरा टोटल इंडोर आउटडोर दोनों को मिल जाता है। PCB का अलग से आप लोग को 5 साल का मिल जा रहा है और 5 साल का आप लोग कंप्रेसर का मिल जा रहा है, तो 10 साल यहाँ पर जो है आप लोग कंप्रेसर यहाँ पर आप लोगों को वारंटी मिल जाता है, ठीक है। इंडोर का 5 साल, आउटडोर का 10 साल, ठीक है। जब 10 साल के लिए आप लोग को यहाँ पर वारंटी वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। हैवेल्स का जो ऐप्स है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके आराम से यहाँ पर जो वारंटी रजिस्टर वगैरह आप लोग खुद से कर सकते यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इंडोर यूनिट यहाँ पर देखिए ये लोग जो है पाइप वगैरह यहाँ पर सेट करके पाइप बहुत ही लंबा दे रहा है यहाँ पर। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन फ्लिपकार्ट जब खरीदेंगे ना वहाँ पर आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके देख लेना है क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये जो पाइप जो है यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है साथ में या नहीं। नहीं मिलने से फ्रेंड्स आप लोग मत खरीदिए, क्योंकि आप लोग को अलग से ये पाइप वगैरह खरीदेंगे तो बहुत पैसा यहाँ पर चार्ज कर लेगा ये लोग, ठीक है। तो मैं देखिए ये लोग टाइट वगैरह करके यहाँ पर जो है देखिए कितना लंबा है, एकदम सफिशियंट है आपका जहाँ पर लगाएंगे वहाँ से बाहर आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करने के लिए। तो पर वायर वगैरह सब यहाँ पर जो लोग लगा दिया, उसके साथ साथ अभी जो है ये मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट कर देंगे इंडोर, ठीक है। तो इन लोग को बोलेंगे तो आप लोग तो छेदा हो गया यहाँ पर जो है उसमें जो है व्हाइट सीमेंट वगैरह ये लोग सेट कर देता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता है। तो मेरा तो अच्छा ही लगा ये AC, ठीक है।
लगभग 5 से 10 मिनट में पूरा रूम ठंड कर देगा। नॉइस लेवल एकदम, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, पहले से बता दे रहा हूं क्योंकि मैं पहले से ही यहां पर जो है ये मैं वीडियो किया था, उसके साथ साथ मैं अभी रिव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लगभग हो जाता है, नॉइस लेवल एकदम कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, उसके साथ साथ यहाँ पर जो वाईफाई इसमें है बोल के यहाँ पर जो ये लोग सेल किया है, लेकिन मैं बाद में कुछ नहीं बोला कस्टमर केयर को, इसमें वाईफाई नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर रिमोट में आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो है वो सेंसर वगैरह नहीं है वाईफाई का, ठीक है। तो इसका नॉइस बहुत ही कम है एकदम, मतलब बढ़िया लगा आपको ये जो लगाएंगे लॉयट का। मुझे लगता है सब एसी में ऐसे ही होता है। इसमें और एक फीचर है फ्रेंड्स, यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूट आप लोग यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ इसमें और एक डिसएडवांटेज मुझे लगा फ्रेंड्स, इसका जो रिमोट है ना वो लॉन्ग टाइम ही यहाँ पर ऑन होके रहता है, ये ऑफ नहीं होता है, ठीक है। पता नहीं ये कैसे क्या होने से ऑफ होता है, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आउटडोर यूनिट लोग लेके आया है छत पे, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैं मार्किंग करके बोल दिया हूँ यहाँ पर भाई मुझे लगाना है, ठीक है। वो लोग यहाँ पर जब फास्टनर वगैरह जो है मैं यहाँ पर मिल गया था जो आउटडोर यूनिट के साथ, तब लोग डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे, शॉर्ट बना देंगे जो आउटडोर यूनिट कैसा है नहीं है, उसका जो है ब्रैकेट कैसा है, ठीक है। देखिए डील वगैरह करके इन लोग जो है आराम से लगा के चला जाता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो फिर देखिए मेरे यहाँ पर लगभग यहाँ पर छेदा ड्रिल किया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, उसके साथ साथ यहाँ पर इंडोर यूनिट लगा दिया पहले से ही, आउटडोर यूनिट अभी यहाँ पर लगाने के बाद छोटा सा 10 मिनट का यहाँ पर कनेक्शन रहता है लोगों को, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा जो है यूनिट यहाँ पर आउटडोर का वो लग गया है, ठीक है। देखिए तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक शेयर ज़रूर करना, इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का यहाँ पर जो सपोर्ट की वजह से मैं जो है एक एक चिप्स मैं अपने चैनल के लिए या मेरा घर के लिए मैं यहाँ पर खरीद पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही यहाँ पर जो है आभारी रहूँगा मैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा ये एसी का जो इंस्टॉलेशन वीडियो आप लोग कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। ये बस देखिए आप लोग का घर में जो है अर्थिंग नहीं रहने से आप लोग अर्थिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अर्थिंग का यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि एसी का जो यहाँ पर क्या बोलूँ आप लोग को, जो बारिश का महीना में आप लोग का शॉर्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, अच्छे से चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर हो गया है लगभग, ठीक है। तो और भी 3-4 तो मैं एसी का यहाँ पर चूज़ किया था, लेकिन मैं अच्छा लगा मुझे लॉयट का, क्योंकि इसका नॉइस लेवल बहुत ही कम है और 4-way स्विंग मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रहा था। तो ये मुझे लगभग जो है नो कॉस्ट ईएमआई में मुझे यहाँ पर जो है 27,000 में ये ख़रीदा हूँ। उसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पर वायरिंग वगैरह करने के लिए मुझे 5,000 एक्स्ट्रा लगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है टेक्नीशियन विजिट किया, वो लोगों को यहाँ पर जो है मुझे जो है 1200 रुपया पे करना पड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है टोटल मिला के मुझे लगभग 35,000 से 38,000 रुपया में ये पर जो है एसी लगा है। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ एसी का दाम कम है, लेकिन लगाने का और इंस्टॉलेशन का ये सब मिल के आप लोग को लगभग 35,000 का ऊपर यहाँ पर आप लोग को बजट रहना चाहिए, ठीक है। तो बता देखिए आउटडोर यूनिट यहाँ पर लग गया और इंडोर भी यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो वीडियो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। ये लोग जो है बहुत ही बढ़िया था, सर्विस से आया था, तो आपका हिसाब से यहाँ पर जो है लोग लगा देगा, ठीक है। कोई चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लेता है, जो कंपनी से देगा वो सब यहाँ पर जो है लोग लेगा पैसा, ठीक है। तो रिमोट में देखिए आप लोग बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, जो मूड वगैरह आप लोग को मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी के लिए अलग से मिल जाएगा, इको के लिए अलग से मिल जाएगा, नॉर्मल यहाँ पर आप लोगों को कूल करने के लिए जल्दी से, तो आप लोग को यहाँ पर जो है 16 डिग्री सेल्सियस में रखिए, उसके बाद जल्दी ठंड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है टर्बो मोड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और लेवल C1, 2, 3 ये सब भी है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग को इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो कम लगेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। 24 में यूज़ करेंगे तो कम लगेगा बिल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं लोग, तो यहाँ पर लगाने के बाद वो लोग जो है आराम से आप लोगों का साथ यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह लेता है, उसके बाद चला जाता है, ठीक है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक करके जरूर बताइए ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मैं
अभी यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत मुझे लगा नहीं और लीकेज वगैरह वाटर लीकेज वगैरह नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं होने से अच्छा है क्योंकि मेरा वोल्टेज का एसी पहले से ही है और यहाँ पर लाइट का एसी यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे दोनों ही अच्छा लगा है। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक के, तब तक लिए जय हिंद।